वेलकम सेवेंथ क्लास। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम देख चुके थे। तो उसी से आपका आगे है मोशन एंड टाइम के अंदर मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसके लिए मेजरमेंट का मीनिंग आपको समझ आ चुका है। ठीक है, कि क्या होता है मेजरमेंट, मतलब किसी भी चीज़ को हम नापते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये भी मैं आपको बता चुकी थी विद सम एग्जांपल्स, बट यहाँ पर ये है कि टाइम के बारे में बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, तो देखा जाए तो टाइम को मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस मीन्स लेंथ एंड मास। जैसे कि आप देखते हैं किसी भी लेंथ को मेजर करना इजीली आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपनी हाइट मेजर करनी है तो आपको घर में जो मेजरिंग कोई भी टेप होता है, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हैं। और वेट को मेजर करना है तो वेइंग मशीन होती है, या फिर जैसे आप जाते हैं शॉपकीपर के पास तो उसके पास भी वेइंग पैन होते हैं, उसके थ्रू आप वेट को और लेंथ को इजीली मेजर कर सकते हो। बट टाइम को मेजर करना इट क्वाइट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू डिस्टेंस एंड मास। ठीक है, तो क्या तरीका होता है कि टाइम को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, और फिर वही है कि इम्पोर्टेंस क्या है टाइम को मेजरमेंट करने की। ठीक है, एक तो ये कि अगर आप सोचे कि आपके घर में घड़ी ना हो और आपको सब काम करने हो विद अ रेगुलर योर रूटीन एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आपकी स्मूथली चलती रहे घर में, बट आपके घर में क्लॉक ना हो, उसके बिना आपको काम करना हो, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आप लोगों के लिए या किसी के लिए भी, कि हम कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा हमें किस टाइम उठना है, उठे हैं तो क्या टाइम हुआ है घड़ी के बिना, है ना। और उसके बाद आपको कब फ्रेश होना है, नहा धोकर स्कूल जाने के लिए, स्कूल से आने का टाइम क्या है, खेलने का टाइम क्या है, तो हर चीज़ हमारा पूरा अगर आप ध्यान देंगे तो रूटीन जो होता है वो टाइम पर ही बेस्ड होता है। अगर घड़ी ना होगी तो आप उसके बिना बिल्कुल ही इनकम्प्लीट फील करेंगे इस चीज़ में, है ना। तो इसलिए हमें मेजरमेंट ऑफ टाइम की ज़रूरत पड़ती है अपने पूरे लाइफ को एक सिस्टमेटिक वे में चलाने के लिए। इसी तरीके से स्कूल की लाइफ अगर आप देखेंगे, अगर हमारे स्कूल में टाइम टेबल ना हो कैसे पता चलेगा कौन से टाइम पर कौन टीचर को हमें पढ़ाना है, ठीक है ना। टीचर्स को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होगी और स्टूडेंट्स को भी समझ नहीं आएगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट की बुक लेकर जानी है किस दिन, है ना। और दूसरा ये कि कितने टाइम के लिए हमें पढ़ना है, तो कुछ भी सिस्टमेटिक वे में नहीं चलता विदाउट मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि आपके एग्जाम होता है, एग्जाम में पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि आपको 3 घंटे में फिनिश करना है, तो अपना आपको माइंडसेट बनाना पड़ता है कि 3 घंटे में हमें इतना काम करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इससे आगे देखिए कुछ यूनिट तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है सेकंड, अदरवाइज मिनट और आवर्स भी इसकी यूनिट होती हैं जिसमें यूज करते हैं, बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है सेकंड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में ये भी बताना चाहती हूँ कि पहले के टाइम में क्या होता था, टाइम को कैसे मेजर किया जाता था। पहले घड़ी नहीं, आपके कैलेंडर नहीं थे, घड़ी नहीं थी, तो कैसे मेजरमेंट होते थे उस टाइम में। ठीक है, तो पहले के टाइम में आपका जो नेचुरल फिनोमेना होता था, जैसे कि सूरज का निकलना और सूरज का ढलना, तो पूरा एक दिन इसको माना जाता था। ठीक है, इस तरह से दिन को कैलकुलेट किया जाता था कि जब सूरज निकलता है और फिर जब नेक्स्ट डे सूरज निकलता है उसके बीच का जो पूरा टाइम है उसको एक दिन बोला गया। सेम इसी तरीके से आपकी अमावस्या होती है, उसको फुल मून बोला जाता है, उस दिन चांद नहीं निकलता है, तो उस वो मंथ में एक बार होता है ये फिनोमिना, तो फिर नेक्स्ट एक बार और ये चीज रिपीट होती है। तो ये जो बीच में रहा है, जितने भी दिन गए हैं, एक बार फुल मून, फिर नेक्स्ट जब आएगा फुल मून उसको क्या बोला गया, एक मंथ बोला गया। आगे समझ में। इसी तरीके से आपके आप देखते हैं कि सन के अराउंड अर्थ रोटेट करती है, सभी को पता है ये चीज, बीच में एक सन है, इसके अराउंड सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसी तरीके से अर्थ भी कर रही है। तो जब पूरा ही रोटेट करते हैं उसी की वजह से क्या बनते हैं, सीजन बनते हैं। तो जो सीजन होते हैं सर्दी गर्मी बरसात सब चीज होकर रिपीट होकर पूरा कंप्लीट होता है, तो उसको क्या बोला गया, सारे सीजन कवर होकर वही सीजन जब आ गया तो उसको बोलते हैं कि अर्थ ने पूरा रेवोल्यूशन सन के अराउंड कर लिया है, उसको बोला गया वन ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े दिन और पूरा वन मंथ और ईयर को तो कैलकुलेट कर सकते थे, बट जो घंटे हैं सेकंड हैं इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता होगा उस टाइम पर, तो कुछ इस तरीके की चीज़ों का यूज़ किया जाता था, जैसे कि सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक आजकल शो पीस की तरह यूज़ किया जाता है। इस तरीके का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, देखिए कुछ इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ
इस तरीके से। यहाँ बहुत ही छोटा सा होल होता है, यहाँ पर सैंड भरी होती है, जो कि सैंड कहाँ जाती है, नीचे जाती जाती है, और एक टाइम के बाद ये खाली हो जाते हैं, फिर इसको रिवर्स करके रख देते हैं। ठीक है, तो वो टाइम को नोट कर लेते कि वो इस तरीके से इसको क्लॉक की तरह यूज करते थे, जब कहीं पर भी घड़ी नहीं थी, उस टाइम की बात है, इसको बोला जाता था सैंड क्लॉक। इसको बोला जाता था सैंड क्लॉक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका आता है, जब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ तो इस चीज को एक सन डायल करके क्लॉक आई थी। सन डायल क्या होती है, अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर एक सर्कल को ऐसे बनाया जाता है और उसके ऊपर एक दीवार बनाई जाती है इस तरीके से। वो किस पे वर्क करती थी, सन के ऊपर वर्क करती, जैसे कि सन के परछाई जैसे बनेगी तो यहाँ पर इसकी सुई क्रिएट हो जाएगी। ये मैं आपको इसकी फोटो सेंड करूंगी, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, मैं फोटो देख लूंगी। ये जो प्रेजेंट में आप देख सकते हैं, जंतर मंतर अगर कोई बच्चा गया है जयपुर में, दिल्ली में, वाराणसी, इन सब जगह पे जंतर मंतर है। ठीक है, उस टाइम पे बनवाए गए थे, बट इसका ये ड्रॉबैक है कि ये दिन में ही काम कर सकता है, क्योंकि सन की रेज जब इस पर पड़ेगी तो परछाई बनेगी, परछाई जैसे जैसे सन जैसे जैसे घूमेगा परछाई घूमती जाएगी और वैसे वैसे टाइम का पता चलता जाएगा। वैसे ये काफी एक्यूरेट था अप टू 2 सेकंड्स तक, मतलब 2 सेकंड का एक्यूरेट नहीं बता पाता था, बट अप टू 2 सेकंड तक वो एग्जैक्ट टाइम बता देता था। ठीक है, जो वॉल क्लॉक है उनकी डिस्कवरी जब हुई, जब गैलीलियो ने क्या डिस्कवर किया, पेंडुलम डिस्कवर किया था, उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। देखिए मेजरमेंट ऑफ टाइम, पहले के टाइम से शुरू करते हैं कि पहले किस तरीके से मेजर किया जाता था टाइम को, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बट उसको सीक्वेंस में एक बार बताना चाह रही थी कि सन की हेल्प से टाइम को मेजर किया जाता था, कि एक दिन सन जैसे राइज होता है और नेक्स्ट डे फिर सनराइज होता है, उसके बीच के गैप को क्या बोला जाता था आपका, वन डे। ठीक है, और न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून को क्या बोला जाता था, वन मंथ। ठीक है, और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ जब रिवॉल्व करती है तो उससे सीजन क्रिएट होते हैं, और सीजन जब सारे कवर होते सेम सीजन आ जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका, वन ईयर। ठीक है, उसके बाद जो आया, ये तो आपके डे मंथ ईयर कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते थे मेथड्स, और सैंड क्लॉक जो भी मैंने फिगर बना के आपको बताया था वो क्या है आपका, सैंड क्लॉक के लिए स्मॉल टाइम के लिए यूज किया जाता था, हो सकता है उसको मतलब एक यूनिट बना दिया था उस टाइम के लिए, जैसे कि अभी हम सेकंड कर रहे हैं कि टाइम को किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में, 1 सेकंड, 1 आवर, इस तरीके से, तो उसको एक तरह से यूनिट बना दिया था कि सैंड क्लॉक के थ्रू काम किया जाएगा, आपको ये काम कब तक फिनिश करना है, ये सैंड क्लॉक का सारा जो सैंड है एक से दूसरे में शिफ्ट होने तक आपको ये काम फिनिश करना है, एक तरह से ये चीज है। सन डायल के लिए मैं बता चुकी आपको, जंतर मंतर पे ये बनाए गए थे जो कि अभी भी है, देखे जा सकते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है, सन की हेल्प से इनको टाइम को देखा जाता था, सन की जो की वजह से जो इस पे दीवार क्रिएट की जाती थी उसकी परछाई पड़ती थी और वो मूव करती रहती थी जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती थी। ठीक है, तो इसको सन की हेल्प से यूज किया जाता था, बट ये नाइट में वो नहीं था हेल्पफुल। तो फिर आता है सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम वाली क्लॉक्स कब क्रिएट की गई, जब सिंपल पेंडुलम इंट्रोड्यूस किसने कराया था, गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे ये। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आपको पेंडुलम के बारे में बताया जा रहा है, एक सिंपल पेंडुलम मैंने बताया, जैसे कि इसकी हेल्प से टाइम को मेजर किया जाता था, जिसकी एक्यूरेसी क्या होती थी, बेटर हो गई थी एज कम्पेयर टू सन डायल, क्योंकि सन डायल में आप नाइट में उसको यूज नहीं कर सकते थे। तो पेंडुलम के अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए एक जहां भी आप इसको घर पे भी बना सकते हैं, पेंडुलम में क्या होना चाहिए, एक स्मॉल वेट होना चाहिए, जैसे कि कोई पत्थर आप ले सकते हैं, लेबोरेटरी में बॉब होता है, एक छोटा सा मेटेलिक बॉब होता है बॉल की तरह, इसको बोला जाता है बॉब। ठीक है, इसको थ्रेड की हेल्प से ऐसे टांग दिया जाता है किसी भी वॉल या किसी ऐसी जगह पे जहां से ये थोड़ा स्टेबल हो। ठीक है, इस तरीके से तो आप इसको टांग देंगे एक थ्रेड की हेल्प से, किसी भी पत्थर को भी यूज कर सकते हैं। ये इसकी लेंथ होती है, लेंथ क्या होती है, यहाँ से लेके हाफ बॉब तक ये क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है, फर्स्ट है आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होती है, जहां से भी आपने सस्पेंड किया, सस्पेंड मतलब टांगना। ठीक है, जहां से भी आपने पेंडुलम को टांगा है वहां से उसके मिडल तक क्या होता है, इसकी लेंथ होती है। अब ये समझिए कि पेंडुलम होता क्या है, इस पूरे तरीके जो हमने बनाया सेटअप को, इस पूरे सेटअप को बोला जाता है पेंडुलम। ठीक है, उसकी लेंथ आपको पता चल चुकी है क्या होती है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या बोला जाता है, पॉइंट जहां से उसको हमने टांगा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन नेक्स्ट देखिए, अभी क्या होता है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर रही हूं,
आप जैसे कि वो है, इसको मैंने कोई मूवमेंट नहीं दी, मैंने इसको अपनी जगह पे ही रहने दिया है, कोई इसको हिलाया नहीं, कुछ नहीं, तो इसकी रेस्ट पोजिशन है, ये कहाँ है अभी, रेस्ट पर, हिल नहीं रहा है ये, और इसको बोला जाता है मीन पोजिशन। क्या बोला जाता है? मीन पोजिशन, जहां पर इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये अपने स्टेबल पोजिशन पे है। आगे समझ में? अब अगर इस बॉब को उठा के मैं इधर ले जाऊं, या फिर थोड़ा इधर ले जाऊं और इसको छोड़ दूं, तो क्या होगा? ये ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। जो ये वाला मोशन होता है इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, ठीक है? इसका मीनिंग जो समझ लीजिए, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे ये आपके साथ साथ जाता रहेगा, ये वर्ड टू एंड फ्रो इस तरीके से लिखा जाता है, टू एंड फ्रो। इसका मीनिंग क्या होता है? टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे का मूवमेंट, जैसे कि स्विंग झूला होता है ना, झूले में आप झूलते हैं बचपन में बैठ के आगे पीछे, वो भी यही होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है उसका, ठीक है? इस तरीके से जो पेंडुलम होता है कैसे मूव करते हैं, टू एंड फ्रो, टू मीन्स आगे, फ्रो मीन्स बैक, ऐसे बैक एंड फोर्थ भी कई जगह यूज किया जाता है, बैक एंड फोर्थ, वो भी इसी तरीके से लिखा जाता है, बैक एंड फोर्थ, ये दोनों ही वर्ड यूज किए जा सकते हैं। आगे समझ में? तब ये ऐसे ऐसे आगे पीछे मूव करेगा तो उसको बोला जाता है ओसिलेशन। बट वन ओसिलेशन किसको बोला जाएगा ये आप समझ लीजिए, जैसे कि मैं दो पॉइंट मान लेते कि मैंने इसको यहाँ तक लेके गई, ठीक है, मैंने इसको उठा के यहाँ ले आई, ले इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, और दूसरा थ्री कहाँ जाएगा, जितना मैं इसको इधर लेके आई हूँ ना अपने आप से उतना ही उधर अपने आप चला जाएगा, ठीक है? बी, आगे चीज समझ में आपको, तो कहाँ मूव करेगा, मैं इसको लेके इधर गई थी, ये अपने आप ही कहाँ चला जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, इस तरीके से टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। तो वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगी, तब मैं इसको इधर लेके आई, ये वापस इधर गया और वापस उसी पोजीशन पे आएगा, तो उसकी वन कंप्लीट ऑसिलेशन होगी, ठीक है? जैसे कि आप झूला झूलते हैं, आप पीछे थे, पीछे से आगे गए, आगे से वापस पीछे गए, तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन उसको बोला जाएगा। आ गया समझ में? आई होप आ गया होगा आप लोगों को ये चीज। मान लेते कि मैं इसको इधर की साइड लेके गई हूँ, बी पॉइंट पर, ठीक है, फिर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ए पे जाएगा, ए से वापस बैक बी पर आएगा, तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन होगा, ठीक है? ऑसिलेशन कहीं से भी कंप्लीट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ए से बी, बी से ए आएगा तो ही वन है, ठीक है? रिवर्स भी कर सकते हैं आप इसका, ठीक है? इनको बोला जाता है एक्सट्रीम पोजिशन। ए और बी क्या है इसकी? एक्सट्रीम पोजिशन, ओके? इतना आपकी बुक में भी मेंशन नहीं है, अभी नाइन्थ क्लास की बुक में इतना, बट फिर भी मैं आपको जर्नल के लिए बता रही हूँ ऐसे ही। अब देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है वो टाइम जो कि एक ऑसिलेशन को पूरा होने में लगा है, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ से हम लेकर आए बॉब को, हमने ड्रॉप कर दिया उसको, सस्पेंड कर दिया, हमने छोड़ दिया, मतलब एक तरीके से, तो कहाँ जाएगा? बी पर, बी से वापस ए, तो एक ऑसिलेशन हुआ, इस एक ऑसिलेशन को होने में कितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड होता है, टाइम टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ओके? और इसको ऑसिलेशन में बोल सकते हैं द वन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ पेंडुलम टू एंड फ्रो, वन कंप्लीट मूवमेंट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। लेंथ क्या होगी? फ्रॉम वेयर इट इज सस्पेंडेड टू द मिडल ऑफ बॉब इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है? बाकी ये क्या आपको पेंडुलम के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि डे मंथ कैसे कैलकुलेट किए जाते थे, बट अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लॉक है, ठीक है, और पेंडुलम क्लॉक्स है, पेंडुलम क्लॉक्स के बाद आपके क्वार्ट्ज क्लॉक है, और आजकल तो डिजिटल क्लॉक्स भी हैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा इसमें इनोवेशन आ चुके हैं। क्वार्ट्ज क्लॉक एक तरह से क्रिस्टल होता है, उसमें वाइब्रेशन होती है, उसके थ्रू उनका यूज़ किया जाता है, जो कि पेंडुलम क्लॉक से भी ज़्यादा एक्यूरेसी है उनकी। और उसके बाद आती है आपकी डिजिटल क्लॉक, जिसके अंदर आप हर सेकेंड को एक तरह से डिजिट्स की फॉर्म में देख सकते हैं। आप देखते ना आजकल जो आप पहनते हैं, कि बच्चे यूज करते थे, बड़े भी घर में देखे होंगे आपने, जैसे कि आपको देखना है 7:00 आपके कितने 50 मिनट्स हो गए, आगे उसमें सेकंड का भी मतलब आपको एग्जैक्टली पता चला था 7:50 है या 7:52 है, इस तरीके से। बट हम घर की जब घड़ी में देखते तो हमें नहीं पता था 52 है कि वो 53 है कि वो 54 है, हम वो अप्रोक्सीमेट अपना आइडिया लगाते हैं कि ये इतना टाइम हो रहा है। बट जो आपके डिजिटल क्लॉक होते हैं उसमें इस तरीके से डिजिट्स के फॉर्म में लिखा हुआ आता है, उनको कहते हैं हम डिजिटल क्लॉक, ठीक है? अब हमें देखनी है कुछ यूनिट्स जिनका हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, बहुत बार पता आपको होगा बट फिर भी एक बार मैं समराइज करके बता रही हूँ कि 60 सेकेंड्स में कितनी एक मिनट होती है, ठीक है, और 60 मिनट से क्या बनता है हमारा 1 आवर। इसी तरीके से 24 आवर से क्या बनता है 1 डे, और 365 डेज से क्या बनता है 1 ईयर, और 10 ईयर को क्या बोला जाता है 1 डिकेड, एंड 10 डेकेड इक्वल टू 100 ईयर्स, ठीक है?
और डेकेड का मतलब क्या होता है वो समझ गए। डेकेड का मतलब एक तरीके से होता है डेका, जो है ना ये वर्ड डेका, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं DECA, डेका वर्ड का मतलब ही होता है 10, ठीक है, 10 को रिप्रेजेंट करता है, डेका ग्राम, ठीक है, और इस तरीके से, और इस शेप्स के अंदर भी यूज होता है, मतलब डेका के लिए आपको याद रखना है कि 10 को रिप्रेजेंट करता है डेका वर्ड, ठीक है। इस तरीके से जो आपका 100 ईयर्स होते हैं वो 1 सेंचुरी को शो करता है। आप देखते हैं ना क्रिकेट, वहां पर भी सेंचुरी किसको बोला जाता है, सेंचुरी बोला जाता है 100 रन को, और हाफ सेंचुरी किसको बोला जाता है, 50 रन को। तो उसी से लिंक कर सकते हैं कि 100 ईयर्स को 1 सेंचुरी बोलते हैं, और 10 सेंचुरी के अंदर कितने ईयर्स होंगे आपके, 1000 ईयर्स, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, 1 मिलेनियम। क्लियर है सभी को? आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू। ओके, आपको ये क्लियर हो गई होंगी, वैसे पता भी है कुछ चीजें आपको, और यहाँ पर आपका ये 1 ईयर होगा, ठीक है, 1 ईयर। थैंक यू।